मनसे की ओर से भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने की घटना पर तीव्र नाराजगी जताई गई। महल गेट स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष मनसे के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार, केंद्र सरकार, मुर्दाबाद के नारे लगाए। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया कि उसने शिवाजी महाराज के अपमान की घटना को गंभीरता से नहीं लिया। मनसे द्वारा राज्य सरकार का भी निषेध किया गया। घटना पर केंद्र पर राज्य सरकार की चुप्पी पर रोष व्यक्त किया गया। शहर अध्यक्ष अजय ढोके और विशाल बड़गे ने चेतावनी दी कि कर्नाटक में स्थानीय मराठी भाषियों पर हमला ना करें, अन्यथा नागपुर में भी कर्नाटक वासियों के साथ वैसा करने में मनसे सैनिकों को समय नहीं लगेगा। आणि आमचे सन्माननीय दुसरे शहर अध्यक्ष विशाल बड़गे जी, आम्ही या ठिकाणी उपस्थित असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून समस्त नागपूर नगरीचे पदाधिकारी इथे आलेले आहेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना माल्यार्पण करून आज आम्ही कर्नाटक सरकारचा, केंद्र सरकारचा निषेध करीत आहोत। कर्नाटक सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान झाला तरी पण दोषींविरोधात कठोर कारवाई केलेली नाही आहे आणि महाराष्ट्र सरकारचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी यांनी सुद्धा यावर कठोर पावलं उचलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने पावले नाही उचलली, याबाबत आम्ही त्यांचा निषेध करतो आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर्नाटक सरकारच्या विरोधामध्ये निश्चितपणे आगामी काळामध्ये दंड ठोकवणार आहे। इस दौरान प्रशांत निकम, रजनीकांत जिचकार, शशांक गिरडे, उमेश बोरकर, तुषार गिरहे, सचिन धोटे, मंगेश शिंदे, मनोज गुप्ता, अंकित झाड़े, राजेंद्र पौराणिक, पवन साहू, नितिन टाकलीकर, चेतन बोरकुटे, राहुल बंजारी, महेश माने, दत्ता साकुलकर, गौरव पुरी, मनीषा पापड़कर, इकबाल रिजवी, अर्चना कड्डू, स्वाति जेसवाल, वैशाली फूलझेले, अनु सहारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।